दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, जहां इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर विराट कोहली का पिछले 3 सालों से कोई भी सेंचुरी नहीं बन पा रही थी, जिससे विराट कोहली काफ़ी परेशान थे। लेकिन कहा यह जाता है कि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का गावस्कर ट्रॉफी को लेकर मैच चल रहा था, तो विराट कोहली ने पूरे दिन नीम करोली बाबा को ही याद किया था, जिससे उनकी पुकार सफल हुई और विराट ने उसी दिन अपने 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद अपना 28वां शतक जड़ा था। और यही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को हराया भी था, जिससे उस दिन उनके फैंस खुशी से झूम उठे थे। विराट कोहली ने इसका जिक्र 17 नवंबर 2022 को किया था, जब वे नैनीताल के कैची धाम पहुंच गए थे। विराट कोहली ने अपनी वाइफ अनुष्का और बेटी वामिका के साथ नैनीताल के कैची धाम में काफ़ी लंबा समय बिताया और उन्होंने बाबा के प्रति अपार आस्था और विश्वास को अपने इंस्टाग्राम में भी दिखाया, जिस पोस्ट पर मिलियन से लोगों ने अपना प्यार भी दिया। विराट कोहली ने बताया कि वे बाबा नीम करोली को बचपन से मानते हुए आए हैं और वे ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की आस्था बाबा नीम करोली के साथ जुड़ी हुई है। नीम करोली बाबा का प्रसिद्ध आश्रम कैची धाम, जहाँ बाबा नीम करोली ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को यहीं बिताया था और यहीं कैची धाम में उन्होंने अपनी समाधि भी ली थी। आप में से आईफोन के बारे में तो हर कोई जानता होगा और काफ़ी लोग तो आईफोन को यूज भी करते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आईफोन यानी एप्पल की शुरुआत स्टीव जॉब्स ने यहीं आकर करी थी। स्टीव जॉब्स ने बाबा नीम करोली के बारे में काफ़ी सुना था, जहां वे बाबा से मिलने 1974 में अमेरिका से नैनीताल के कैची धाम पहुँचे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बाबा ने तो 1973 में ही समाधि ले ली है, तो वे बहुत दुखी हुए, क्योंकि अमेरिका से वे इंडिया सिर्फ बाबा से मिलने के लिए आए थे। तब बताया ये जाता है कि स्टीव जॉब्स को वहाँ आश्रम में किसी ने एक सेब दिया था, जिसे आधा खाकर स्टीव जॉब्स को अचानक कुछ हुआ और आधा कटा सेब को देखकर उन्होंने 1976 में एप्पल कंपनी खोल डाली और आज उसी एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट आज हर कोई जानता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है, जिसका जिक्र स्टीव जॉब्स ने 30 सालों के बाद किया था, जहां उन्होंने बताया कि जिस पुरुष ने उनके हाथ में एप्पल थमाया था, वे खुद नीम करोली बाबा का ही एक रूप था, जो कि उन्हें एप्पल पकड़ाकर कहीं रहस्यमय रूप से गायब हो चुके थे। नीम करोली बाबा के चमत्कार की कहानी सिर्फ विराट कोहली या स्टीव जॉब्स तक ही नहीं है, बल्कि अमेरिका के एक और महान शख्स मार्क जुकरबर्ग की भी है, जिन्होंने हमें फेसबुक या मेटा दिया। फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब 2015 में अपनी फेसबुक कंपनी में बुलाया था, तब उन्होंने नरेंद्र मोदी को बताया कि मेरा मन फेसबुक को बेचने का था, क्योंकि उस समय मैं पैसों की तंगी में था, मैं फेसबुक बेचने ही वाला था। लेकिन एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने मुझसे ये कहा था कि तुम एक बार इंडिया के कैची धाम चले जाओ, वहाँ जाकर तुम्हारे पैसों की तंगी जरूर दूर होगी। मैं कैची धाम सिर्फ एक ही दिन के लिए गया था, लेकिन मौसम खराब हो जाने के कारण मैं वहाँ एक हफ्ता रुक गया और यहीं बाबा ने मेरे ऊपर कृपा कर दी और मैंने पैसों की तंगी को इग्नोर करके आज मैंने फेसबुक कंपनी को इस तरह आगे खड़ा कर दिया है। अब दोस्तों, यही नहीं, आगे और सुनो। आप सभी ने हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स के बारे में जरूर सुना होगा। वे अपनी फिल्म ईटी प्रे लव की शूटिंग करने इंडिया आई थी, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया कि वे बाबा नीम करोली से इतना ज़्यादा प्रभावित थी कि उन्होंने ईसाई धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया था, जहां वे आज अपने पति और 3 बच्चों के साथ मंदिर जाया करती हैं। Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to this picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture. दोस्तों, बाबा नीम करोली के चमत्कार की एक और घटना है, लेकिन उसको जानने से पहले आप नैनीताल मेनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। दिल्ली के रहने वाले शैलेश मिश्रा ने बताया कि जब वे 15 जून को कैची धाम मेले में आ रहे थे, तो कैची धाम मेले में लगी भीड़ के कारण उन्हें हल्द्वानी से कोई बस या टैक्सी नहीं मिल पा रही थी। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे पैदल ही कैची धाम जाएंगे। जून के महीने में मौसम बहुत गर्म रहता है,
इसलिए शैलेश मिश्रा को चलते हुए काफ़ी गर्मी लग रही थी। इस गर्मी से बचने के लिए वे बार बार बाबा नीम करोली का नाम जपते हुए काठगोदाम के रास्ते से होते हुए कैचीधाम को जा रहे थे। तभी चमत्कार इस बात का हुआ कि शैलेश मिश्रा को कैचीधाम तक आने में कोई भी गर्मी नहीं लगी, क्योंकि एक रहस्यमय सा बादल उनके ऊपर से उड़ रहा था। उस समय काफ़ी लोगों ने बाबा के इस चमत्कार को साक्षात देखा था। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि कैचीधाम जाना आप सभी लोगों के लिए कितने सौभाग्य की बात होगी। दोस्तों, कैचीधाम तक आना बेहद आसान है, क्योंकि कैचीधाम नैनीताल के अंदर ही आता है। नैनीताल से कैचीधाम की दूरी सिर्फ 21 किलोमीटर है। कैचीधाम दिखने में काफ़ी भव्य और रमणीय लगता है, और यही कैचीधाम सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सिप्रा नदी को यहाँ के लोग गंगा के समान पवित्र मानते हैं, कि जब कैचीधाम में घी की कमी पड़ गई थी तब बाबा ने इसी नदी के पानी से घी बनाया था। इसलिए जब भी आप कैचीधाम आए तो सिप्रा नदी के जल को अपने साथ जरूर ले जाएं। बाबा नीम करोली को हनुमान भगवान का अवतार बताते हैं, तो जब आप मंगलवार के दिन कैचीधाम जाएंगे तो ये आपके लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं होगा। कैचीधाम में आकर लोगों की मन्नतें अवश्य पूरी हुई है, बस मन में बाबा के प्रति श्रद्धा भाव होनी चाहिए। बाबा जी की स्थापना दिवस है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आई हूँ। बच्चे बोलते भी रे भी तेरे से नहीं जे मंदिर में जाया जाएगा, उम्र ज्यादा है। नहीं, मैं कह नहीं, मैंने जाना है वहाँ पे, हाजिरी लगानी। और मैं जहाँ आके इतना खुश हूँ कि पूरी मेरे को दुनिया की सब जितनी चीजें आज ही मेरे को प्राप्त हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ नैनीताल मेनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। मैं हूं आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।